अस्सलाम वालेकुम वी आर लर्निंग हाउ टू राइट कॉमेडी पिछली दफ़ा हमने दो एग्जांपल्स देखे थे एक का का रूल था और एक ऑब्वियस सिचुएशन की हमने कॉमेडी लिखी थी अब हम और दो और कॉमेडी सिचुएशंस पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि हम उसको अगर खुद लिखें तो कैसे लिख सकते हैं तो मैं शुरू करती हूँ जैक हाउ कैन यू सिट तय कामलीटिंग माफिन वेन वी आर इन दिस हॉरबल ट्रबल आई कॉन्ट मेक आउट You seem to me to be perfectly heartless. Well, I can't eat muffins in an agitated manner. The butter would probably get on my cuffs. One should always eat muffins quite calmly. It's the only way to eat them. Jack, I say it's perfectly heartless you're eating muffins at all under this circumstance. Abuganham the situation kya. सिचुएशन ये है कि जी जैक जो है वो इंतहाई परेशान है मुश्किल हालात हैं हॉरेबल सी सिचुएशन उनके साथ है बहुत ट्रबल में है कोई उन्होंने कोई काम कर दिया या उनके साथ कुछ होना है और उसका जो साथी है वो मफिन खा रहा है मक्खन लगा के तो उस खा रहा है मक्खन लगा के और सोच तो आराम से चिल मोड में बैठा हुआ है और जैक जो है वो उसको हॉल उठ रहे हैं अब आप ये पिक्चर करोगे जैक जो है बैठा हुआ है उसकी हालत ख़राब है पसीने छूट रहे हैं और जो उसका साथी है वो आराम से मफिन खा रहा है और कह रहे हैं भाई अब मैं और कैसे खाऊं मफिन आराम से ही खाऊंगा ना वरना मेरे कपड़ों पे गिरेगा इधर उधर गंद मचाएगा तो इसलिए आराम से खा रहा हूँ मफिन खा रहा हूँ तो आराम से ही खाऊंगा तो जैक कहता है तुम तो मफिन खा ही रहे हो यही बहुत बड़ी बात है क्यों खा रहे हो इस ये कोई मौका है खाने वाला तो अब हमने ये देखा कि एक कमेडिक सिचुएशन आई जबकि ऐसे हालात हैं जहाँ पर हम एक इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए जो वो कर रहा है और वो वो करता है उससे भी कमेडिक सिचुएशन जो है वो पैदा होती है और ये हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि बहुत टेंस माहौल होगा बहुत ही हाई स्ट्रांग कोई पहुँचाड़ आ रहा होगा हालात ख़राब हो रहे होंगे और वहाँ पर एक कोई काम जो है वो एक बड़ी ऑर्ड सी चीज़ हो रही होगी और वो जो ऑर्ड सी चीज़ है उस पर हमें हंसी आएगी कि ये बंदा कर क्या रहा है तो इस तरह भी हम जो है वो कमेडिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं तो हम अब देखते हैं इसको कि हम अगर ख़ुद लिखें इस तरह की सिचुएशन तो कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम फेल्ड अब दो सिचुएशंस हैं अब एक बच्चा है उसने अपने एग्जाम फेल कर दिए मगर कर क्या रहा है पार्टी कर रहा है तो ऑबियसली एक कपीडिक सी सिचुएशन है कि भाई साहब कुछ होश के नाखुन करो क्या कर रहे हो तो अब अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो अब हमने ये देखा कि जी हमने एक सिमिलर सी सिचुएशन लिखी है मौली आप छः सब्जेक्ट्स में फेल हो गए टर्नर क्या आवाज़ नहीं आ रही म्यूज़िक बहुत लाउड है बहुत ऊंचा है आवाज़ ही नहीं आ रही मौली तुम मज़े कर रहे हो यहाँ पर अपने एग्जाम्स को फेल करके टर्नर बस अब फेल तो कर दिया अब उसका क्या कर सकते हैं अनफेल तो कर नहीं सकते तो जब तक अगले एग्जाम होंगे तब तक पार्टी की जाए तो इस तरह हमने एक दो तजाद यानी कि जो रिएक्शन आना चाहिए एक ऐसी सिचुएशन में वो बंदा वो रिएक्शन नहीं दे रहा बल्कि कोई और एक रिएक्शन दे रहा है उससे एक कॉमेडिक सिचुएशन जो है वो आ, निकली है तो दिस इज़ अदर एग्ज़ाम्पल ऑफ हाउ वी कैन राइट कॉमेडी हम अगला देखते हैं आ, ये अक्सर स्टैंड अप कॉमेडी में इस्तेमाल होता है या जब हम जोक्स सुना रहे होते हैं उसमें होता है तो हमें लिखने भी पड़ते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो जोक्स होते हैं या वो है वो बस ऐसे ही बोलता चला जाए उसके पीछे भी एक राइटिंग इन्वाल्व होती है और वो जोक्स जो हैं आप ड्रामे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नॉवेल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी क्रिएटिव राइटिंग एंडेवर में एक कमेडिक जोक जो है या कोई ऐसी चीज़ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं हेअर्स माई मैरिज क्विज़ your wife comes in and says, hey, do I look fat? Do you say, yeah, you could lose a few? Wait, let me get my protective gear. So अब आपने एक सिचुएशन हम आम तौर पे देखते हैं कि जब एक बीवी अपने शोहर से पूछती है कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ तो शोहर जो होता है ना उसको समझ नहीं आती वो क्या कहे या तो वो ये कह सकता है कि हाँ शायद थोड़े से कम कर सकती हो या वो कहता है कि यार पहले मैं कुछ हेलमेट शेलमेट पहन लूँ फिर जवाब दूंगा तो आप ये एक रोज़मर्रा की चीज़ जिसको हम देखते हैं हमारे साथ होती है वो एक कमेडिक सिचुएशन जो है वो आप लिखते हैं उसको आप पेन डाउन करते हैं तो अगर हम इसी तरह का एक एग्ज़ाम्पल ख़ुद लिखें और हम इस सवाल जवाब के जो एक कमीडिक सिचुएशन है उसमें हम लिखते हैं तो हम इसको आ, इस तरह कुछ लिख सकते हैं कि अगर हम देखते हैं आ, टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप और उसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट से सवाल करती है और स्टूडेंट उसको क्या जवाब देता है क्या उसको अब समझ नहीं आ रही कि टीचर से कहे क्या तो so, टीचर पूछती है डू यू थिंक आई एम स्ट्रिक्ट अब बड़ा मुश्किल सा सवाल है इसका जवाब क्या दिया जाए जी आप हैं नहीं आप नहीं हैं तो स्टूडेंट क्या कह सकता है यू आर स्ट्रिक्ट विद अदर्स एंड आई एम वन ऑफ दर्स तो बड़ा बड़ा गोल गोल करके उस बेचारे ने जवाब दिया है कि जी आप हैं स्टिक दूसरों के साथ और मैं भी दूसरों में शामिल हूँ तो आप इस तरह करके एक कमेडिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ जो जवाब है वो एक कमेडिक तरीके से दिया जाता है तो आई होप कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स uh, हैं दो इनसे आपको कुछ uh, सीखने को मिला होगा कुछ क्लैरिटी आई होगी कि जो कॉमेडी राइटिंग है वो हम कैसे करते हैं हम या कमेडिक जो है वो सिचुएशन सवाल जवाब या अपने जवाब से कर सकते हैं या एक और सिचुएशन ये होती है कि जब बिल्कुल एक अनहोनी सी रिएक्शन आता है कि यानी कि जो एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं होता किसी और तरीका तरीके का रिएक्शन आता है तो हम वो भी देखते हैं तो एक और जो तरीका है हमारे पास कॉमेडी करने का वो स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है जिसको हम कहते हैं कि जी आ, वो बहुत ज़्यादा एक जो प्रैक्टिकल तरीके से कॉमेडी होती है कोई केले के, के छिलके पे गिर गया किसी ने किसी को गिरा दिया कुछ किसी कोई फनी सी चीज़ कर दी कोई प्रैक्टिकल जोक किया उससे भी हंसी आती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब ड्रामा लिखते हैं या कोई प्रैक्टिकल चीज़ लिखते हैं तो उसमें फिर आप ये लिख सकते हैं जहाँ पे आपने कोई प्रैक्टिकल जोक दिखाया या कोई फिजिकल तरीके से जो एक कमीडिक सिचुएशन होती है उसको आपने डिस्क्राइब किया हो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है मगर उस पर हर दफ़ा हंसी आती है और वो है केले के, के छिलके पे गिरना या बग़ैर देखे कभी हम चल पड़ते हैं मेरा छोटा बेटा है वो उसको ये नहीं पता चलता अभी तक 11 साल का हो गया माशाल्लाह उसको अभी तक ये नहीं पता चलता कि बिस्तर कब ख़त्म हो रहा है तो वो जब चलना शुरू होता है तो वो अक्सर बिस्तर से गिर जाता है और अब तो हमें हंसी आती है पहले जो है तकलीफ़ होती थी कि बच्चा है बट अब डेफिनेटली हंसी आती है तो इस तरह की सिचुएशन हम सबके घरों में होती हैं तो इनको देखिए ऑब्जर्व कीजिए और अपनी कॉमेडी ही में ज़रूर लेकर आइए मुश्किल है कॉमेडी मगर मज़ा भी बहुत आता है ना सिर्फ़ आप ख़ुद हंस रहे होते हैं आप लोगों को हसा रहे होते हैं और इससे बड़ा सवाब जो है मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं है थैंक यू सो मच